अस्सलाम वालेकुम बाटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआ से खैरियत से हूं। और आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं कि आप लोग जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी अपनी फैमिली के साथ शादोबाद रहें। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और आप सबसे माजरत, काफ़ी दिनों से जो है हमने व्लॉग नहीं डाला और बीच में हम काफ़ी बार जो है ना इस तरह पहले भी इस तरह कई बार हम लोग कर चुके हैं। असल में बीच में कुछ ऐसे ही मसाइल इतने हमारे साथ होते रहते हैं। और फिर वो अहमद की भी बीच में जो है ना तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी और दो तीन बार जो है उसे हॉस्पिटल भी लेके गए, बार बार लेके जाना पड़ा उसको। तो और भी मसाइल होते हैं तो इस वजह से जो है ना थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी डिस्टर्बेंस, तो इस वजह से जो है हम अभी लोग नहीं जो है ना अपलोड कर पाए और नहीं बना पाए, तो उसके लिए आप सबसे जो है ना माजरत है। और अब जो है देखते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि अभी लोग जो है बनाते रहें और अपलोड करते रहें। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग अगर व्लॉग नहीं भी डालते तो आप लोग हमें याद करते रहते हैं और मैसेज करते रहते हैं। और हमारी जो है सिस्टर्स भी हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, तो बस ये आप सबका जो है ना प्यार है जो है ना कभी ना चाहते हो या कोई मसाइल होने के बावजूद भी व्लॉग जो है कभी कभार जो है अपलोड कर लेते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अभी कोशिश करेंगे, हर बार आपको ऐसे कहते हैं लेकिन बस जो है ना लाइफ में कुछ ऐसे मसाइल होते रहते हैं कि बस उसके लिए आप लोगों से बेहद जो है ना माजरत है। और आज जो है इंशाल्लाह आपको आज जो है अहमद का जो है फेस भी रिवील कराएंगे और आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत से लोग तो ये भी समझ लें कि यकीन हो गया होगा उनको कि जो हमारा बेटा है वो हमें नैना को और जो है ना शाहरुख को जो है ना किराए पे दिया हुआ है और इसलिए जो है हम जो है उसका फेस रिवील नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो एक ही होगा तो फिर किस तरह रिवील करेंगे फेस। क्योंकि शाहरुख जो है अपने बेटे का फेस तो पहले से रिवील कर चुका है, फिर कैसे होगा ये, तो ये बात नहीं थी, बस कुछ घरेलू मसाइल होते हैं उसकी वजह से जो है ना व्लॉग नहीं बना सके। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, सुबह का नाश्ता हो गया था, तो अभी मैं बनाने लगी थी सालन। बकरा ईद का गोश्त पड़ा हुआ था तो अभी हम गोश्त इसको अच्छे से वॉश करके मैंने इसमें डाल दिया पतीले में, और फिर प्याज भी कट करके डाल दिए, टमाटर भी कट करके डाल दिए, और मसाला है लहसुन अदरक भी डाल दिए, धनिया मिर्ची मसाले वगैरह भी डाल दिए। इसको ना पानी डाल के इसको ना हल्की आंच पे मैंने रख दिया, जैसे ही ये गल जाएगा ना फिर इसको भून के हम बाकी वो मसाले वगैरह डालेंगे। आज हम बना रहे हैं कढ़ाई गोश्त, तो फिर अभी तो मैंने इसको चढ़ा दिया है, सब चीज़ें इकट्ठी डाल के ना मैंने इसको चढ़ा दिया। अभी ढक इसको ना दम पे रख दूँगी, ढक्कन देकर दम दे देंगे, फिर उसके बाद जैसे ये गल जाएगा फिर इसको भून के ना अच्छे से, फिर बाकी वो टमाटर वगैरह जैसे मसाले और डालने होते हैं। वैसे बाहर का मसाला तो मैं नहीं डालती, घर का मसाला ही डालूँगी। तो फिर मसाला वगैरह इसमें डाल के ना अच्छे से भून के फिर बनाते हैं सालन। मोहम्मद अहमद सो रहा था तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सालन बना लूँ, क्योंकि फिर उठ जाता है ना फिर बोलते हैं आप उठा के बैठी रहो, अपने पापा के पास भी इतना नहीं रुकता, बोलते बस आप उठाओ ना, ही बिनिश के साथ इतना खेलता है, अभी छोटा है ना, बस कभी कभार बिनिश के साथ जब खेले ना तो फिर उसके साथ खेलता रहता है, तो इसलिए वो सो रहा था, मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये कर लूँ। और कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए थे, जैसे मोहम्मद अहमद के कपड़े हो जाते हैं थोड़े से जमा तो फिर जल्दी रोज़ की वॉश करती हूँ जैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि पैम्पर तो मैं तो पहनाती नहीं हूँ, तो घर में इसको खुला ही रखती हूँ,
ये वाली इसको पहनाते हैं, ये हमारे गांव में ये बनाते हैं ना बच्चों की, गांव में तो बस यही पहनाते हैं। तो वही ये देखो बारिश आ रही है ना, तो फिर छत पूरी टिप टिप कर रही है। तो ये टमाटर मैंने वॉश कर लिए, मिर्चे भी वॉश कर लिए, अभी इसको ना काट के ये भी रख दूँगी, जैसा ये गल जाएगा गोश्त तो उसमें ना ये ऐड कर दूँगी। तभी ये धनिया वगैरह भी धो रही थी मैं, और मोहम्मद अहमद जो है ना वो भी अभी उठ गए, अभी आवाज़ लगाएंगे, बोलेंगे आ जाओ। तो माशाल्लाह से धनिया कैसे हरा हरा है। ये मैंने कहा ये मसाले वगैरह सारे काट कूट के रख दूँ तो सब फिर एक साथ ही डाल देंगे। अभी तो मैंने उसको उसमें दो तीन टमाटर डाले हैं, प्याज भी कट करके डाल दिए, दम पे रख दिए, ज़्यादा टमाटर भी नहीं डाले मैंने, कहा बाद में डालूँगी। तो धनिया वॉश करके ना इसको भी इसके अंदर रख देते हैं, फिर सब तीनों चीज़ें मिल तीनों इकट्ठी काट देंगे। फिर बर्तन भी धोने, अभी बर्तन भी धोने वाले पड़े हैं मेरे नाश्ते वाले, मैंने कहा इनको चढ़ा दो फिर आराम से वो भी बर्तन करती रहूँगी, ये भी सालन भी बन जाएगा, दो बर्तन वगैरह फिर वो भी धुल जाएंगे। कपड़े तो धो दिए थे मैंने, बर्तन रह गए थे, तभी बर्तन भी धोऊँगी, तो फिर वहाँ से ये वो काम भी हो जाएगा और ये सालन का काम भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, टमाटर थे वो भी मैं काट के भी डाल दिए, गोश्त जो है वो गल गया, तो ये टमाटर मैंने डाल दिया इसमें, और इधर धनिया और मिर्च भी काट के रखा है, तभी ये पानी भी सूख जाएगा, ये भी गल जाएंगे टमाटर। फिर इनको अच्छे से भून के ना, ये जितनी ग्रेवी रखनी हो ग्रेवी डालेंगे, और थोड़ी सी इसमें दही भी ऐड करूँगी, दही और मसाला थोड़ा घर का जो है वो भी थोड़ा सा और ऐड करूँगी, जो मसाला भी मैंने इसमें जो डाला है ना मिर्ची और हर धनिया वगैरह वो भी बहुत कम ही डाला है, थोड़ा सा डाला है मैंने, कभी बाद में डालूँगी दही में फेंट के फिर डालूँगी। तो अभी ये जैसे गल जाता है फिर दही में मसाला फेंट के वो भी डाल देंगे इसमें। अच्छा जी, तो ये देखिए दही मैंने इसमें फेंट के डाल दिया, इसमें मसाला वगैरह भी डाल दिया फेंट के, तो अभी इसको ना मिक्स करके भूनते हैं। फिर टमाटर मैंने डाल देते हैं, उनको वो काफ़ी गल गया, तो ये दही भी मैंने डाल दिया, अभी इसको अच्छे से भूनते भून के ना फिर उसमें जितनी भी ग्रेवी रखनी हो ना उतनी ग्रेवी रखेंगे। अच्छा जी, दही इसको मैं भून रही हूँ, और साथ साथ में ये भी डाल दी हूँ धनिया और मिर्ची। इसको अच्छे से भून के फिर इसमें हल्की ग्रेवी डाल के फिर बन जाते हैं सालन जो है तैयार हो चुका है। अच्छा जी, तो ये देखिए माशाल्लाह से सालन जो है कढ़ाई गोश्त का वो हो गया तैयार, और आप सबने बताना है कि आपको ये कढ़ाई गोश्त का सालन कैसा लगा। अभी इसमें ना मैं ग्रेवी का पानी ऐड करना, थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी रख के फिर ना जैसे बॉयल आएगा फिर इसको चूल्हा बंद कर देगा, जो सालन जो है रेडी हो चुका है। और एमरजेंसी में बना रही हूँ क्योंकि कोई हिस्सा नहीं है ऐसा कि बारिश का पानी ना आया हो, पूरी छत जो है ना टिप 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 कर रही है सहन की जो छत है, इसलिए जल्द जल्द ये सालन मैंने बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जब खड़ी हूँ ना यहाँ पर भी ये देखा सारा पानी आ रहा है, यहाँ से ऊपर से सारा देख मैं भूख पे आ गया, ये सारा पानी ये देखे दरिया बना हुआ है दरिया, और बिनिश को देखे बिनिश दरिया में इंजॉय कर रही है। बिनिश क्या कर रही हो? ये समुंदर का पानी बना रही थी, लहरें बना रही है पानी की, ये देखें इतना पानी जमा हो गया सहन में। यहाँ से जैसे कपड़े मैंने अहमद के धो के डाले वो भी सारे टिप टिप कर रहे हैं, अहमद से कपड़े धो के डाले वो भी टिप टिप कर रहे हैं साथ में, इतना पानी आ रहा है छत से ये देखें। अस्सलाम वालेकुम बेटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर वाकिफ़ होंगे, हम भी अलहमदिल्ला ठीक है, और बिनिश भी ठीक है, और मोहम्मद अहमद भी ठीक है। ये है हमारा मोहम्मद अहमद, मुझे देख रहा है, ये देखिए
असल में इसको गर्मी दाने निकले हुए ना, तो इसलिए हम थोड़ा वो तो ये भी बिनिश के साथ खेल रहा था। ये देखे बिनिश को देख रहे और खेलते खेलते इसको लग गई है भूख, तो इसलिए रो रहे। तो ये देखे और मम्मा राय बाबा ने पजामा नहीं पहना हुआ, ना ही पैंपर पहना हुआ। ये हमारे गांव में बच्चों को पहनाते हैं ना, तो इसलिए हम यही पहनाते हैं दिन में। पैंपर मैं नहीं पहनाती इसको, बाहर जाती हूँ ना तब भी पहनाती हूँ, घर में इसको नहीं पहनाती, तो इसलिए आपको ऐसे ही लग रहा होगा। ये देखें जी, ये अहमद अभी ये बैलून के साथ खेल रहा है। ये बिनिश लाई थी, तो ये देखें ये बैलून के साथ खेल रहा है। क्या करना है? पहले ये बैलून जरा दूर था, तो अब इसको करीब लेके आए हैं इसके पास। नहीं कर, ये देखें अहमद अभी खेल रहा है इसके साथ। वो देखें इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। नहीं करो बिनिश, अच्छा खेलना तो अहमद खेलेगा अभी। खेलो खेलो अहमद, खेलो खेलो अहमद खेलेगा। ये इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, खुश होता है इससे। छोड़ दो छोड़ दो, बिनिश के साथ भी बहुत खेलता है ये। नहीं कर बिनिश, नहीं करो, वो चिर रहा है। अभी अभी छोड़ दो छोड़ दो, अभी ये सब खेला है, खिलौने खेलो खेलो खेलो। खेलो खेलो खेलो, ये लो पकड़ो 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 पकड़ो। खुश हो रहा है मत। जी वाटी फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।